इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, रैना जैन, आन्या जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आज का यह दिन आप लोगों के लिए कुछ नया जानने के लिए आया है, कुछ नई भावनाएं अपने अंदर पैदा करने के लिए आया है और अपने जीवन को बारीकी से समझते हुए जीवन में उत्पन्न हुई अनेक तरह की इच्छाओं को समझते हुए जीवन को समायोजित करने का एक उपक्रम हमें आज सीखने को मिलेगा। अभी तक हमने ये सीखा है कि हमारी आत्मा भी एक भूमि की तरह काम करती है। जिस तरह भूमि पर अनचाहे ढंग से कोई भी फसल अपने आप उगाती है वो किसी काम की नहीं होती, किंतु जब हम उस भूमि को शुद्ध बनाकर उस भूमि को सही ढंग से परिमार्जित करके उसका सब तरह से लेखना, जोतना इत्यादि कृषि संबंधी जो उस भूमि पर क्रियाएं की जाती हैं वो सब करके उस भूमि को जब हम योग्य बनाते हैं तभी उस भूमि पर कुछ वपन हो पाता है। मिट्टी के दो कार्य आपको बताए जा रहे हैं। एक तो मिट्टी का स्वयं में कुछ अच्छा बन पाना किसी कुंभकार के हाथों से, और एक मिट्टी में कुछ ऐसा जा पाना जिससे भी कुछ अच्छा वो प्रोड्यूस कर पाए, कुछ अच्छा वो दे पाए। ये दोनों ही काम होते हैं, इसी को स्व और पर उपकार बोलते हैं। जैसे जैसे हमारे अंदर योग्यता बढ़ती जाती है पर उपकार करने की भी क्षमता हमारे अंदर बढ़ती जाती है। जब तक स्व उपकार अच्छे ढंग से नहीं होता तब तक हम पर उपकार के भी योग्य नहीं बन पाते हैं। इसलिए ये मिट्टी का बात, मिट्टी का दृष्टांत आपको बार बार दिया जा रहा है कि देखो मिट्टी स्वयं में भी योग्य बन रही है, और वह स्वयं जब योग्य बनती जाएगी तो कुंभकार के हाथों मन चाहे ढंग से किसी भी अच्छे कलश का रूप ले पाएगी। और वही मिट्टी अगर मान लो दूसरे का उपकार करने को तैयार हो जाती है तो उसमें किसी भी तरह का बीज डाला जाए तो वह बीज बहुत अच्छे से फलीभूत होता है। बीज का वपन होना, फलीभूत होना यह पर का उपकार है, और स्वयं का किसी कलश के रूप में ढलना यह स्व उपकार है। हमने ये भी देखा है, जाना है कि वही माटी जब अपने अंदर क्षमता को बढ़ाती है, अपने अंदर मृदुता को बढ़ाती है तो तीसरे स्टेप पर आकर के अपने को रोक लेती है, जो था एक माया का भाव। वह माया के भाव में अपने आप को कहीं ना कहीं संकुचित कर लेती है या आगे बढ़ने से अपने आप को मना करती है और बहाना बनाती है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। उसके पीछे भी एक कारण है जो आज बताया जाना है। वह ऐसा क्यों करने के लिए तैयार नहीं होती है जबकि उसने दो स्टेप उठा लिए होते हैं, और हर आत्मा में ये दो गुण आसानी से आ सकते हैं। क्षमा भी आ जाती है, मृदुता भी आ जाती है, लेकिन ऋजुता और शुचिता आने में समय लगता है, मन बहुत बनाना पड़ता है, क्योंकि माया का कारण है लोभ, और लोभ के कारण ही होती है माया। इन दोनों ने अपना आपस में ऐसा गठबंधन कर रखा है,
जैसे सपा बसपा है ना, मायावती का गठबंधन हो मुलायम सिंह से, इस तरह का एक गठबंधन है ये माया और लोभ का। ऐसे ये दोनों प्रकार के भाव आत्मा में चलते रहते हैं। जब मिट्टी को दिख रहा है कि मुझे योग्य बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, फिर भी वो भिसक जाती है, खिर जाती है, उसमें छेद हो जाते हैं, वो फिर से नहीं कुछ बनना चाहती है, क्योंकि उसे लोभ दिखाई देता है कुछ। वो अपने लोभ के कारण से ऐसा नहीं कर पाती, और उसका वह लोभ इसलिए होता है कि उसे लगता है कि मैं जिस स्थान पर बहुत समय से रही हूँ, मुझे वहाँ से हटाया जा रहा है, मुझे कुछ और सपने दिखाए जा रहे हैं, और मैं अपने अस्तित्व को छोड़ रही हूँ। इतनी हिम्मत वो नहीं कर पाती कि वो उस लोभ को छोड़ पाए जहाँ पर वो रह रही थी, वो वहाँ से हटना नहीं चाहती। उसे आसपास जो कुछ भी है बहुत अच्छा लगता है, आसपास की मिट्टियाँ भी जो उसके साथ में रही हैं उनके साथ भी वो घुल मिल के रहती है, और वह आसपास के वातावरण से इतना ज़्यादा उसको लोभ उत्पन्न हो गया है कि उसी कारण से वह कुछ अच्छा करने की इच्छा करके भी अच्छा नहीं कर पाती है। और यही वो वजह है जिसके कारण से वह कुछ नया रूप नहीं ले पाती, या अपने में जो एक परिवर्तन आना चाहिए वो नहीं कर पाती। यानी लोभ ही उसको माया करने के लिए, कुटिलताएं पैदा करने के लिए, उसके अंदर तरह तरह के दोषों के छिद्र उत्पन्न करने के लिए मजबूर करता है। इस लोभ के कारण ही वह माटी अपने स्थान से उठकर के किसी दूसरे स्थान पर आ नहीं पाती। यही वजह है कि वह लोभ के कारण से अब आगे का अपना विकास नहीं कर पाएगी, उसमें जो पवित्रता आनी चाहिए वो नहीं आ पाएगी, क्योंकि जब तक वो कलश का रूप धारण नहीं करेगी और अपने अंदर के लोभ को छोड़कर के ऊपर उठने का भाव नहीं करेगी, तब तक उसे किसी अच्छे ऐसे रूप में ढाला नहीं जा सकेगा जिसमें ढाल करके लोग उसे अपने सिर पर रख सके। माटी के ढेले को कोई सिर पे नहीं रखता, सिर पे क्या रखा जाता है, कलश रखा जाएगा, और कलश बनने के लिए माटी को अपने उस स्थान से हटना तो पड़ेगा, लेकिन उस लोभ के कारण से वहाँ से वो हटने की जब इच्छा नहीं करती तो उसी के कारण से वो मायाचार करने लग जाती है। इसलिए कह रहा था कि माया और लोभ का एक बहुत बड़ा गठबंधन हो गया है। आप आज लोभ को समझ के ही समझ पाएंगे कि हम कितनी माया करते हैं, और माया को छोड़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हमने कितना लोभ छोड़ा है। समझ में आ रहा है? इस लोभ के कारण से मन में ऐसा लगता है कि जैसे कोई भी चीज़ सामने है तो वो अच्छी है, और उसमें हमें भले ही कुछ परेशानी हो या उसमें हमारे साथ कुछ छल भी हो तो भी हम उसको सहन कर लेते हैं, लेकिन अपने मन के लोभ को नहीं छोड़ पाते हैं। आपने कभी देखा हो, कभी अच्छी जो ये फोर वे रोड होती हैं, इन रोडों पर जब आप कभी गर्मी के दिनों में जब ये तप रही हों और इन रोडों पर आप दूर से देखना तो आपको बहुत चमकता हुआ पानी जैसा दिखाई देगा, दूर तक ऐसा लगेगा कि आपको दूर क्या दिख रहा है, पानी दिख रहा है। समझ आ रहा है? आप वहां पहुंचेंगे, आपको दिखेगा कि जहां पर मुझे लग रहा था पानी है वहां तो पानी अब है नहीं है। अब वहां से फिर देखोगे तो आधा किलोमीटर दूर फिर आपको वैसा ही दिखेगा, फिर पानी दिखेगा। समझ आ रहा? फिर वैसे ही चमकती हुई जमीन दिखेगी। तो लोभ इस तरह से हमारे अंदर एक दौड़ पैदा कर देता है। कभी रेगिस्तान में आपने देखा हो, बालू पे घूमते हुए देखा हो, कई बार पशुओं को जब प्यास लगती है तो वो बालू पर दौड़ लगाते हैं और वो बालू के सामने अपने आप को देखते हैं तो उन्हें लगता है बालू चमक रही है, उसके आगे पानी है, तो वहाँ तक दौड़ते हैं पानी पीने के लिए, और वह जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो फिर उन्हें लगता है कि पानी यहाँ पर भी नहीं है, फिर उन्हें वहाँ से फिर दूर दिखाई देता है कि पानी वहाँ है, फिर वहाँ से वो दौड़ लगाते हैं और फिर वहीं पर पहुँचते हैं
सुबह से शाम तक भी दौड़ेंगे उन्हें पानी मिलेगा नहीं। इसको बोलते हैं मृग मरीचिका। क्या बोलते हैं? मृग माने हिरण जो है वह पानी की दौड़ में इस तरह से अपनी दौड़ को बढ़ाता रहता है, सुबह से शाम तक दौड़ता है, तृष्णा उसकी बढ़ती जाती है। किस कारण से? लोभ के कारण से। लोभ हमें लुभाता है, सामने वाली चीज को देख करके हमारे मन के अंदर एक लुभावनापन जो आता है इसी का नाम लोभ है। जब हम उस चीज के पास तक पहुंचते हैं तो फिर हमें लगता है कि नहीं, इससे भी कुछ अच्छा और दूसरा है। फिर हम वहां से और दूसरी ओर देखते हैं तो हमें कुछ और अच्छा दिखाई देता है। फिर हम वहां तक तो अपनी दौड़ लगाते हैं तो फिर हमें लगता है कि हम यहां आ तो गए लेकिन यहां पर भी इतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना कि वहां अच्छा लग रहा है। सुन रहे? लोभ को समझे बारीकी से। लोभ हमारे अंदर क्या करता है? हमारे अंदर एक ऐसी इच्छा पैदा करता है कि वो एक इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती, वो दूसरी इच्छा को उत्पन्न कर देता है। और जब इच्छा से इच्छा, इच्छा से इच्छा उत्पन्न होती चली जाती है तो इसी का नाम कहलाता है तृष्णा। क्या बोलते हैं इसको? तृष्णा का मतलब प्यास कभी बुझती नहीं। पानी तो पी रहे हैं लेकिन प्यास कभी बुझती नहीं। एक तो वो पशु हैं जिन्हें पानी मिलता ही नहीं है, वो तो इतनी अज्ञानता में दौड़ लगा रहे हैं कि सुबह से शाम तक दौड़ते हैं दौड़ते हैं दौड़ते हैं और शाम को थक के चूर हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं, लेकिन उन्हें पानी तो मिलता ही नहीं। मनुष्य इतना जरूर है कि थोड़ा सा पानी पी तो लेता है, पानी उसे मिल तो जाता है, लेकिन उसे मीठा पानी नहीं मिलता, उसे मिलता है खारा पानी। क्या मिलता है? खारा पानी जानते हैं? समुद्र का पानी खारा होता है, नदियों का पानी मीठा होता है। मनुष्य हमेशा खारा पानी पीता है और ऐसा पानी पीता है जिसको पीने के बाद में उसकी तृष्णा और बढ़ जाती है, भूख या प्यास मिटती नहीं है। पानी तो पी लिया लेकिन उससे वो प्यास और बढ़ जाती है। इसी तरह से जब हम इस माया के बाजार में घूमने के लिए निकलते हैं तो हमारे सामने जितनी भी चीजें आती हैं मन हर किसी चीज से लुभता है। मन कहता है ये भी कितनी अच्छा प्रोडक्ट है, ये भी कितनी अच्छी चीज है, ये भी कितना अच्छी वस्तु है, ये भी खरीद लो, ये भी ले लो, यहाँ पर भी चलो, इसमें भी मिल लो, यहाँ से भी कुछ उठा लो। समझ आ रहा? मन को हर चीज़ अच्छी लगती है। लोभ क्या है आप देखो तो, जो चीज जैसी है हमें वैसी नहीं दिखती, हमें उसमें इतना मोहक बना दिखता है कि मन कहता है कि ये बहुत अच्छा है, और जब हम ले लेते हैं तो हमें बिल्कुल सामान्य सा लगता है, और लेने से पहले वो बहुत विशिष्ट लगता है, और जब ले लेते हैं तो बिल्कुल सामान्य सा लगता है। अरे सोच रहा था बालूशाही है बहुत अच्छी होगी, लेकिन जैसे ही खाली तो वो तो वैसे ही है। ऐसा लगा जैसे कि किसी मतलब जैसे कोई रोटी हो और उसमें थोड़ा सा मीठा मिला दिया हो। ऊपर से लग रही थी बहुत अच्छी है, बालूशाही है, बहुत अच्छी है, देखने में भी अच्छी लग रही थी, लेकिन जब ले लिया तो उसके बाद तो वैसे ही लगती है। इसी का नाम है लोभ। आप देखते रहें, मन को परखते रहें। अगर आप जानेंगे कि लोभ कसाय क्या काम करती है, अब ये कसाय है तो कसाय के कारण से क्या करती है, ये कसाय हमें आत्मा में लोभ के कारण से हमारे को दुख देती है, और हम ये समझ रहे हैं कि इससे हमको सुख मिलेगा। अब ये समझें कि आत्मा में वो लोभ कसाय जुड़ी हुई है, तो आत्मा तो सुख चाहती है और लोभ कसाय हमको जो है दुख देने का काम करती है। तो जब तक हम लोभ कसाय के कारण से लोभ करते रहेंगे तब तक हम अपनी आत्मा का जो सुख है वो नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और जब हमें यह समझ में आने लग जाएगा कि देखो ये लोभ है, सामने वाली चीज अच्छी तो लग रही है लेकिन ये है बिल्कुल सामान्य, बिल्कुल ऐसी सामान्य है कि बस लेने के बाद में आपको पछताना पड़ेगा, पैसा ज्यादा लग जाएगा, एनर्जी ज्यादा लग जाएगी, मिलने वाला कुछ नहीं है, है उतना ही सब कुछ। लेकिन वो लोभ हम अगर समझ नहीं पाते हैं तो वो लोभ ही हमको कसता रहता है, दुखी बनाता रहता है,
इसी कारण से हम उस लोभ की दौड़ में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। वो मृग तो सुबह से शाम तक दौड़ता है, लेकिन आदमी अपनी पूरी जिंदगी भर दौड़ता है। समझ में आ रहा? सुबह से शाम तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। सुबह क्या है? जब से जन्म मिला है। और शाम क्या है? जब तक मृत्यु नहीं हो जाती। आप देखो, हमारी इच्छाएं हमको दौड़ाती हैं, हम नहीं दौड़ते हैं। हमारे अंदर एक इनर फोर्स अपने आप क्रिएट होता है, जो हमारी डिजायर्स के कारण से होता है। और अगर हम कभी डिजायर लेस अपने आप को फील करें, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम हैं ही नहीं, हमारा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। इसलिए आपको कोई भी मोटिवेशनल टीचर होगा, गुरु होगा, वो आपको सिखाएगा आपके अपने अंदर डिजायर पैदा करो, डिजायर पैदा करो। एज यू डिजायर सो यू अचीव। जैसी इच्छा करोगे वैसा पाओगे। हर कोई आपको उस दौड़ में ही दौड़ाना चाहेगा। ये कोई स्पिरिचुअल गुरु कोई कोई मिलेगा आपको जो कहेगा कि नहीं, अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करो, उनको अपने से रिमूव करो, अपने को डिजायर लेस फील करो, और फिर देखो कि आपके अंदर पीस जनरेट होती है कि नहीं होती है। आपको अपने एग्जिस्टेंस की फीलिंग होती है कि नहीं होती है। ये सब चीजें तब होंगी जब हम अपने अस्तित्व की ओर आ रहे होंगे, लेकिन अस्तित्व की ओर आने नहीं देती हमारी लोभ कसाय। और वो कसाय कहीं बाहर नहीं होती, बाहर तो उसका एक कहना चाहिए प्रोजेक्शन होता है। तो वो लोभ क्या करता है, हमें बाहर की चीजों में ये अच्छा है, इसको पकड़, इसको देख, इसको ले, इसको अपने कब्जे में कर, इस तरह की डिजायर्स जो वो लोभ पैदा करता है, उसी के कारण से हम दौड़ते रहते हैं। अब हमने ये पकड़ लिया, अब हमने ये ले लिया, अब इसके बाद में हमें ये करना है। और वो हम एक लंबे समय का प्लान बना करके चलते हैं, जिसे हम अपना ड्रीम प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं। हर किसी को सिखाया जाता है अपनी जिंदगी में एक अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाओ। क्या इसलिए बनाओ? क्योंकि तुम उसी की प्रोजेक्ट बना करके उसी की दौड़ में पूरी जिंदगी निकाल दोगे, बस ठीक है, जिंदगी तुम्हारी स्वाहा होगी, दूसरे को क्या लेना देना इससे। समझ आ रहा? इसीलिए तो सब कुछ हो रहा है। पहले पढ़ने का एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है, भाई तुझे क्या पढ़ना है, किस लाइन पे चलना है, क्या चूज करना है, कॉमर्स के, साइंस के, आर्ट, फिलोसफी, क्या लेना है। समझ आ रहा है? पहले ये सोचता रहा, सोचता रहा, इसमें उसने कम से कम 20 साल निकाल दिए। फिर 20 साल के बाद जब उसने अपनी 20-22 साल में पढ़ाई भी कर ली, तो उसके बाद में फिर वो सोचता है अब इसकी जॉब मिले, इसकी जॉब के लिए फिर वो अपने आप को दौड़ाता है, इस कंपनी से उस कंपनी में, उस कंपनी से इस कंपनी में, और इस तरह से दौड़ते दौड़ते वो अपने लगभग 40 साल पूरे कर लेता है। बस उसके बाद में तो या तो घुटनों में दर्द होने लग जाएगा, कमर में दर्द होने लग जाएगा, रोगी हो जाएगा, डायबिटीज तो होनी ही है। बस फिर धीरे धीरे 5-10 साल ऐसे घसीटते घसीटते निकाल लेगा, सो 50 का हो गया। समझ आ रहा है? बस अब 50 के बाद तो क्या बचा, अब तो हमने दुनिया देख ली, अब तो जो जिंदगी है वो अपने आप कटती रहेगी। सो 5-10 साल और कट जाएंगे, तो 60-65-70 बहुत बहुत हो गए, निपट जाएगा, चला जाएगा, हो गई जिंदगी की दौड़ पूरी। समझ में आ रहा है? सुबह से शाम तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। अब आप देखो वो अचीव क्या करता है। चार रोटी दो लंगोटी। समझ आ रहा है? चार रोटी दो लंगोटी और दो गज कच्ची जमी, तीन चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी। सुबह से शाम तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। सुबह पलना शाम अर्थी और खटिया दोपहर, तीन लकड़ी जिंदगी में तोड़ता है आदमी। सुबह से शाम तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। क्या करता है? सुबह जब जन्म हुआ तो पालना मिलता है, वो भी लकड़ी का होता है। अंत होएगा फिर भी उसको लकड़ी के ही बांसों पर बिठा दिया जाता है, लिटा दिया जाता है, और उसी से बांध दिया जाता है, वो भी लकड़ी है। समझ आ रहा है? और कभी दोपहर में
माने बीच की जिंदगी में, जवानी में थोड़ा सा पलंग पे आराम कर लेता है, उस पे भी अपनी जिंदगी निकाल लेता है, वो भी लकड़ी की है, बस यही लकड़ी है। तीन तरह की लकड़ी जिंदगी में तोड़ता है आदमी, और सुबह से शाम तक दौड़ता है आदमी। समझ में आ रहा है? आदमी को मौत पर विश्वास है कुछ इस तरह, आदमी को मौत पर विश्वास है कुछ इस तरह कि मौत के हाथों ही सब कुछ छोड़ता है आदमी, सुबह से शाम तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। ये सब दौड़ में ही आदमी दौड़ रहा है, लोभित होकर के अपने समय को, अपनी ऊर्जा को उस दौड़ में दौड़ा करके नष्ट कर रहा है, जैसे कोई हिरण रेगिस्तान में दौड़ते दौड़ते सुबह से शाम पूरी कर लेता है, लेकिन मिलता कुछ नहीं। थोड़ा सा पानी अगर मिल भी जाता है तो वो भी इतना खारा होता है कि उससे प्यास बुझती नहीं, प्यास बढ़ जाती है। एक बहुत बड़ी विडंबना है इस जीवन में। अगर हम ये चीज सीख पाए कि हमें अपनी लोभ कसाय को कम करना है, और लोभ कसाय के कारण ही हम हर तरह की बुराइयों में पड़ते चले जाते हैं, तो आप अपने आप को समझ पाएंगे। आत्मा को समझना इसलिए कठिन हो जाता है क्योंकि हमें समय ही नहीं देता है। लोभ कसाय, ये माया कसाय, ये सबसे डेंजरस चीजें हैं। लोग समझते हैं क्रोध करना बहुत खतरनाक है। मैं कहता हूं क्रोध करना कुछ भी नहीं है, मान करना भी कुछ नहीं है, जितना ज्यादा ये माया और लोभ कसाय खतरनाक है, क्योंकि ये आपकी समझ ही में नहीं आती है। क्रोध और मान तो आपको समझ में आता है कि मैंने मान किया, मैंने क्रोध किया, माया और लोभ तो समझ ही में नहीं आते, तुम्हारे स्टैंडर्ड बन चुका है। हम जन्म से ही पैदा होकर के ही उसमें इतने घुल मिल चुके होते हैं कि हम उससे अपने आप को डिटैच करके ये कभी हम समझ ही नहीं सकते कि इसके बिना भी हम जी सकते हैं। ये इतना घुल मिल चुका है हमारे अंदर। लोभ के बिना तुम्हारा जीवन ही शुरू नहीं होता। बच्चे से लेकर के बड़ों तक लोभ की क्वालिटी बढ़ती चली जाती, लोभ कहाँ छूटता है। माता पिता बच्चों को लाड़ करते हैं, क्या करते हैं? लाड़ करते हैं। लड़का हो तो लाडला है, लड़की हो तो लाडली है। कभी कभी तो इतना लाड़ करते हैं कि उसका नाम ही लाड़ो रख देते हैं। लाड़ो, मेरी बेटी लाड़ो है, बहुत लड़ती है। समझ आ रहा है? ये लाड़ भी कहां से उत्पन्न हो रहा है? लोभ से उत्पन्न हो रहा है। इस लोभ के कारण से हम बच्चे को लाडला तो बना लेते हैं, लेकिन लायक नहीं बना पाते हैं। लाडला जो बना लेगा बच्चे को, वो कभी लायक बना ही नहीं पाएगा बच्चे को। माता पिताओं के लिए ये समझना है कि लाड़ में और प्यार में भी अंतर होता है। अगर आप लाड़ करोगे तो बच्चा लाडला बन जाएगा, और प्यार करोगे तो लायक बनेगा। प्यार बुराई को बुराई के रूप में, अच्छाई को अच्छाई के रूप में देखता है, और लाड़ बुराई को भी अच्छाई के रूप में देखता है। कई माता पिता इतने मोहित होते हैं अपने बच्चों से कि वो अपने बच्चों की बुराइयों को भी बड़े लाड़ के कारण से उसको अपने सिर पर बिठा लेते हैं और उसको प्रोत्साहन देते हैं, बेटा तूने कुछ नहीं अच्छा ही किया। अगर थोड़ा सा उसको रोकना चाहिए, और अगर रोक दिया जाता है तो उस समय पर वो सुधर सकता है। जब पहली बार गलती करता है, जब उसकी गलती को लाड़ के कारण से बढ़ावा मिलता है, तो फिर वो बिगड़ता चला जाता है, फिर वो लाडला नहीं कहलाता है, फिर वो बिगड़ैल कहलाता है। फिर वो समझ रहा, अब वो बिगड़ने लगा और फिर भी आप उससे लाड़ किए जा रहे हो। जो बिगड़ैल हो रहे हैं बच्चे, वो भी सोचें हमको लाड़ ज्यादा मिल रहा है इसलिए हम बिगड़ रहे हैं। माता पिता का लाड़ बच्चों को बिगाड़ता है, इसलिए नीति शास्त्रों में बहुत पहले लिखा चुका है, हर किसी ने लिखा है, चाणक्य की भी नीतियों में लिखा हुआ है, विदुर की नीतियों में भी लिखा हुआ है, धर्म की नीतियों में भी लिखा हुआ है। हमेशा यही कहा जाता है कि कभी भी शिष्य को और पुत्र को लाड़ नहीं करना चाहिए, उन्हें ताड़न करना पड़े तो उनका ताड़न करना चाहिए, लेकिन लाड़ उनसे ज्यादा नहीं करना चाहिए। समझ आ रहा है? लाड़नात बहुवो दोषा, ताड़नात बहुवो गुणा, तस्मात पुत्रम च शिष्यम च ताड़येत न तु लाड़येत। क्या समझ में आया? लाड़न करने से बहुत दोष उत्पन्न होते हैं, बहुत सारे उसके अंदर
एक फॉल्ट्स उत्पन्न हो जाते हैं, और ताड़न करने से गुण उत्पन्न होते हैं। ये पुरानी नीति है, इसलिए शिष्य को और पुत्र को ताड़येत नतु लाड़येत। लाड़ में हम लोभ में कुछ ज्यादा ही बह जाते हैं, इसलिए लोभ के कारण से हम उसकी बुराइयों को भी निग्लेक्ट कर देते हैं, और वहीं से बच्चा बिगड़ने लग जाता है। आज माता पिता सबसे ज्यादा परेशान है, बेटा लॉकडाउन चल रहा है, कोई काम नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, दिन भर बेड पे पड़ा रहता है, समझ आ रहा है, मोबाइल पकड़े रहता है, टीवी के सामने बैठा रहता है, दिन भर मोबाइल को उल्टा पड़ा रहेगा, मोबाइल सामने बस पकड़े रहेगा, लैपटॉप होगा तो लैपटॉप पे, दिन भर पड़ा रहेगा, कुछ नहीं उसको चाहिए, ना खाने को, ना पीने को, ना कुछ, ना घर का काम, ना कोई बात, कोई बीच में अगर डिस्टर्ब करता है तो ऐसा भिनक के पड़ता है कि मानो अपना अभी मोबाइल ही उसके मुंह में दे मारे। क्यों? इतना लाड़ कर रखा है आपने। माँ चिल्लाती है, पिता नाराज होते हैं, जब नहीं बनता है तो महाराज से आके कहते हैं, महाराज बच्चा जिद्दी हो गया है। महाराज क्या करे, मोबाइल महाराज ने दिया था उसको, जब वो पहली बार मोबाइल ले रहा था, जब खेल रहा था, तब तो तुम हंस रही थी, है देखो मेरा बेटा कितना होशियार है, देखो मोबाइल चलाने लग गया है, तब तो तुम हंस रही थी, और जब वो चलाने लग गया, अब वो उसके अनुसार चलने लग गया, अब तुम दुखी होती हो। हमें सोचना चाहिए, आज अगर भारत के अंदर शिक्षा नीतियों में परिवर्तन हो रहा है तो वो भी एक परिवर्तन धीरे धीरे हमारे अंदर परिवर्तन लाएगा। हमने शुरू से इंग्लिश मीडियम से पढ़ना शुरू कर दिया, आज ये नीतियां आ रही हैं कि हमें कम से कम पांचवीं क्लास तक बच्चों को अपने हिंदी मीडियम से पढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे हम अपने अस्तित्व से जुड़े रहते हैं। इसी तरह से मैं कहता हूं कि जब तक बच्चा आठवीं क्लास तक ना पहुंच जाए उसको मोबाइल दिखाना नहीं चाहिए। मान पाएंगे आपके माता पिता, आप ये गार्जियन सुनने वाले करें, अगर आप ऐसा कर पाए तो ही आप बच्चे को जिद से बचा पाएंगे, कुछ अच्छा करा पाएंगे, और उसके लिए आप वास्तव में अगर प्यार करते हैं तो प्यार गुण और दोष दोनों को देखने वाला होता है। प्रेम प्यार एक अच्छी चीज है, लेकिन लाड़ अच्छी चीज नहीं है। बच्चों के लिए इतना लाड़ नहीं करना चाहिए कि आप उसकी गलती को ढांकते चले जाएं, पहले उसकी गलती पर हंसते रहें, और फिर जब पानी सिर से ऊपर हो जाए फिर अब कहें अब मैं क्या करूं, फिर रोएं बैठ करके, ये आपके लाड़ का परिणाम है। अब आप समझो, आप अपने आप को रोक पाते हो कि नहीं उसको लाड़ करने से? जब आप नहीं उसको लाड़ करने से रोक पाते हो तो वो मोबाइल से अपने आप को कैसे रोक पाए? उसके अंदर भी लोभ कसाय है, उसका दुष्परिणाम दिख रहा है, और आपके अंदर लोभ कसा है, उसका दुष्परिणाम दिख रहा है, तो सब ये किसके दुष्परिणाम दिख रहे हैं? सब लोभ कसाय के ही तो दुष्परिणाम है। लोभ के कारण से आप बच्चे से लाड़ ज्यादा कर गए, और वो ही लोभ के कारण से बच्चा मोबाइल में घुस गया, तो सब कुछ लोभ कसाय से ही चल रहा है। आप देखें कि अगर व्यक्ति धर्म भी कर रहा है तो उसमें भी उसका लोभ घुसा रहता है, लोभ के कारण से ही मंदिर आता है, लोभ के कारण से ही व्यक्ति पूजा कर रहा है, लोभ के कारण से ही व्यक्ति प्रवचन सुन रहा है, लोभ के कारण से ही व्यक्ति स्वाध्याय कर रहा है, सब उसमें भी लोभ पड़ा है उसका। और अगर वो लोभ उन्हीं चीजों का हो जिन चीजों को पाने की हमारी इच्छा है, और वो चीजें अगर हमें कहीं नहीं मिल रही हैं, तो हम कहां पहुंच जाते हैं? मंदिर में चलो, भगवान के पास चलो, क्या मिलेगा? जॉब लग नहीं रही है, इतना पढ़ने के बाद, इतनी अच्छी परसेंटेज आने के बाद भी जब भी कहीं इंटरव्यू देने जाती हूं तो फेल हो जाती हूं, पता नहीं क्यों दो नंबर से रह जाती हूं, समझ आया? तो क्या करना चाहिए? थोड़ा सा भगवान से मिन्नत तो करनी पड़ेगी, अभी तक तो हमने भगवान को पूछा ही नहीं, अब जरूरत तो पड़ रही भगवान की। तो अब क्या होता है, अब हमें भगवान दिखता है, अब हमें मंदिर दिखते हैं, तो हम भी लोभ कसाय के कारण से फिर मंदिर पहुंचते हैं। पता पड़ा इंटरव्यू हो गया और इस बार भी कोई जॉब नहीं लगी, अब क्या करें? मंदिर में भगवान कुछ देता नहीं, मंदिर कुछ करते नहीं, मुझे मंदिर जाना नहीं, मंदिर से कोई मतलब नहीं। अब वो मंदिर से इतना द्वेष करेगा, इतनी हेट करेगा कि अब मंदिर के नाम से उसको चिढ़ाएगी, समझ आ रहा है? उसे नहीं मालूम कि हमें चिढ़ किस कारण से आ रही है, अपनी लोभ कसाय से आ रही है, ये कभी महसूस नहीं करेगा।
हमारी लोभ की पूर्ति नहीं हुई, इसलिए इसमें हमारा दोष है कि मंदिर का दोष है कि भगवान का दोष है, उसे कुछ नहीं मालूम। उसने अपनी इच्छा इतनी बना रखी कि उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो अब उसको मंदिर से घृणा हो गई। क्या मंदिर का भगवान तुम्हारी जॉब लगाने के लिए बैठा है? किसी भी मंदिर का देवता, किसी भी मंदिर का भगवान तुम्हारी जिंदगी के लिए बस इसी तैयारी में बैठा है कि तुम मेरे पास आओ और फिर वापस जब तुम घर जाओ तो तुम्हारे घर में सब कुछ अपने आप डेकोरेटेड मिले? यही सोच के रखा है आपने? भगवान का यही काम है? जो इस तरह से सोचते हैं कि यह भगवान का काम है, वो भी भगवान को छल रहे हैं और भगवान भी उनको छल रहा है। यह धर्म के अंदर लोभ, धर्म आयतनों में लोभ इस तरीके से हमारे द्वारा पड़ा हुआ है, इसलिए हमने धर्म को भी एक तरह से समझा नहीं। लोभ के कारण से ना हमने धर्म समझा, ना लोभ के कारण से हमने अपनी आत्मा को समझा, ना लोभ के कारण से हमने वस्तु की स्थिति को समझा, ना बाजार को समझा, ना अपनी माया को समझा, हमने कुछ नहीं समझा, सिर्फ लोभ में लोभित होते रहे बस। समझने का टाइम ही कहां मिला? तो हमने हर चीज को अपने लोभ से जोड़ रखा है, अपनी इच्छाओं से जोड़ रखा है, इसलिए हमें मंदिर से द्वेष है, इसलिए हमें धर्म से द्वेष है। जबकि मंदिर और मंदिर का भगवान, उसको आपकी इच्छाओं से कोई लेना देना नहीं है। इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए मंदिर नहीं जाया जाता है, इच्छाओं की शांति के लिए मंदिर जाया जाता है। जो डिजायर्स हमारे अंदर उत्पन्न हो रही हैं वो फुलफिल हो जाएं, इस प्रकार की भावना से मंदिर नहीं जाया जाता। जो डिजायर्स हैं हम उनसे भी बिल्कुल रहित हो जाएं, इस तरह की भावना से मंदिर जाया जाता है ताकि हमारी अंतरंग शांति हमें महसूस हो। जब भगवान के अंदर ही कोई इच्छा नहीं है तो भगवान तुम्हारी क्या इच्छा पूरी करेगा? समझ में आ रहा? और जो भगवान इच्छा पूर्ति करने में लगा हुआ है, कुछ तो जैन लोग ऐसे बावले हैं कि उन्हें यह लगता है कि मेरा भगवान भगवान हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं करता, दूसरा भगवान हमारी इच्छा की पूर्ति करता, तो वो दूसरे देवी देवताओं के मंदिरों में जा जा करके सिर पटकते रहते हैं। समझ आ रहा है? अपने मंदिर क्यों नहीं आते? क्योंकि उन्हें पता है ये भगवान तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता नहीं, तो कौन करता है? वो करता है। तो ये भी एक लोभ है उस मृग मरीचिका की तरह, जबकि कोई भी भगवान कभी किसी की इच्छा की पूर्ति नहीं करता, किसी भगवान को किसी से लेना देना नहीं। जो भगवान होगा वो क्यों आपकी इच्छा की पूर्ति करने बैठेगा? और अगर उसे आपकी इच्छा की पूर्ति करनी है तो किसी दूसरे की इच्छा को दबाना भी पड़ेगा। ये भी आपने एक लोभ पैदा कर रखा है, भगवान हमें देता है, ये भी एक माया है। इस माया को जब तक आप नहीं छोड़ेंगे तब तक आपको सही ढंग से धर्म, भगवान, आत्मा कुछ समझ नहीं आएगा। आज के बच्चे क्यों घृणा करते धर्म से? क्योंकि उन्हें धर्म को कुछ भी जानने की कोई भी उन्हें जिज्ञासा नहीं, और धर्म की अगर कभी भी उन्हें व्याख्या मिलती है तो गलत ढंग से मिलती है। धर्म हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए होता है, ये उनके जहन में पड़ा है। पूर्ति हो गई तो खुश हो गए, और नहीं हुई तो उसी दिन से भगवान के ही दुश्मन बन जाते हैं। नहीं जाना, नहीं करना, मैं तो इतना भगवान के पास जाता था, फिर भी मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, पापा की डेथ हो गई, क्या कर लिया भगवान ने? इतना द्वेष उसके अंदर भगवान से आ जाएगा कि वो जिंदगी भर भगवान की शक्ल नहीं देखेगा। समझ में आ रहा? ये किस कारण से हो रहा है? भगवान ने कर दिया। भगवान किस किस के पापा को बचाएगा, किस किस के पापा को मारेगा, और यही भगवान करते बैठा है, तो आज तक भगवान ने कभी किसी को हमेशा बचा के रखा ही नहीं। ये कोई भगवान के काम है क्या? ये भी हमने अपनी माया को फैला रखा है। हम कहते हैं संसार माया है, ईश्वर की माया है। मैं कहता हूं आपके अंदर ईश्वर ही माया के रूप में बैठा हुआ है। ईश्वर का स्वरूप ही आपने बिल्कुल माया के साथ में जान रखा है, और आप हर चीज को उस माया के कारण से लोभ के साथ देखते हो, और भगवान में भी लोभ देखते हो, और भगवान में भी लोभ की पूर्ति करने की आकांक्षा करते हो। लेकिन लोभ की पूर्ति धर्म से नहीं होती। धर्म से तो हमें हमारे लोभ की शांति करने का भाव आना चाहिए। अगर लोभ हमारे अंदर आ भी रहा है तो हमें सोचना चाहिए हम इसको शांत करें।
इच्छाएं तो हम संसार की हैं, ये तो हम अपने अपने पुरुषार्थ से खुद पूरी कर लेंगे, धर्म से हमें संसार की इच्छाएं पूरी नहीं करना। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, रैना जैन, आन्या जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश।